लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से ही अस्वीकृत हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक चली चर्चा में दोनों तरफ से नेताओं ने अपनी बात रखी। चर्चा के आखिरी दिन पीएम मोदी सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित हुए। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव से अपनी बात शुरू करने के कुछ मिनट बाद ही लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने अधीर रंजन के भाषण से ही कांग्रेस पर वार करना शुरू कर दिया। पीएम के भाषण से पहले अधीर रंजन चौधरी ने करीब 10 मिनट अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने को लेकर अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, यह सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। आखिरी दौर में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन किया गया, जो बेहद अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सत्ता के अहंकार और दुर्भावना को दर्शाता है। यह परंपरा संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पहले आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और रिंकू सिंह को सस्पेंड किया गया, अब अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया। बीजेपी इंडिया अलायंस को अपनी आवाज रखने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मणिपुर को पीठ दिखाई, पीएम की बातों से आज पूरा मणिपुर राज्य असंतुष्ट है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कोलकाता से फोन आने का जिक्र किया था। उनका इशारा परोक्ष रूप से ममता बैनर्जी की तरफ था। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सांसद हैं। मौजूदा दौर में वो कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं में शामिल है जो खुलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का विरोध करते हैं। उनका यह रवैया विपक्षी गठबंधन इंडिया के बनने के बाद भी बरकरार है। संसद सत्र के दौरान अक्सर उनके बयान चर्चा का विषय बनते हैं। अगर संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो वो अपने संसदीय क्षेत्र मुर्शिदाबाद में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दबदबे और बीजेपी के मजबूत होती जमीन के बीच अधीर रंजन चौधरी अपने किले और सीट पर कब्जा बनाए हुए हैं। यही कारण है कि टीएमसी विशेषकर बैनर्जी अक्सर चौधरी के बारे में शिकायत करती है। वे उन पर भाजपा एजेंट होने का आरोप भी लगाती है। पीएम ने अपने भाषण में इसलिए कोलकाता से फोन का जिक्र किया। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जब धृतराष्ट्र अंधे थे तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, आज भी राजा अंधे बने हुए हैं। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनकर चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हैं। बीजेपी ने मणिपुर के एमपी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया। वीडियो डिस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।